गाइस वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यस बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है फेस्टिवल स्पेशल मीशो लहंगा एंड साड़ी हॉल। इसमें से कुछ साड़ी है कुछ लहंगा है, तो एक एक करके साड़ी कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब तक वीडियो शुरू करूंगी तब तक आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हो सकता है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो जाए। एंड नेक्स्ट आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे आप हमें कमेंट के जरिए वो भी सजेस्ट कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट दिखाती हूँ सारे के सारे प्रोडक्ट रीसेलिंग में होते हैं। अगर आप उनको बाय करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में जाकर आप हमें डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आपको स्क्रीनशॉट लेना है प्रोडक्ट के और हमें डीएम करना है तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड हाँ, ये चीज याद रखना है कि सीओडी अवेलेबल नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा हमारे पास नहीं है, आपको पेड करके ही प्रोडक्ट मिलेगा। बट मैं जो प्रोडक्ट दिखाती हूँ सेम टू सेम आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए बातों के ये खत्म करते हैं, बढ़ते हैं अपने कलेक्शन की ओर। एंड सबसे पहले हम दिखा रहे हैं ये वाली साड़ी जो कि बहुत ही प्यारी से हमारे पास रिसीव हुई है। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ब्लाउज मटेरियल की, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई पॉइंट था इस साड़ी का। एंड ये जो डिटेलिंग है बहुत ही प्यारी सी है, मल्टी कलर का यूज है, सीक्वेंस एंड थ्रेडवर्क की डिटेलिंग कुछ इस तरीके से डिटेलिंग है, बहुत ही फाइन फिनिश के साथ वर्क किया हुआ है इसमें इस तरीके से। एंड ये है आपका फ्रंट का सेक्शन आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। एंड कलर इसका बहुत ही प्यारा है, जिस तरह से आपको ये कैमरे पे रेड दिख रहा है सामने से भी एग्जैक्ट वैसा ही रेड है। एंड सबसे ज्यादा इसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है आपको, मैं पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा, जब ये स्टिच होकर निकल के आएगा तो बहुत ही प्यारा निकल के आएगा ये जो की है फ्रंट के पार्ट। एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है स्लीव्स के लिए डिटेलिंग जो की है फ्रंट स्लीव्स की डिटेलिंग कुछ इस तरीके से, जो कि काफी हैवी ब्लाउज निकलेगा। मतलब जिस तरह से इमेज में इसका ब्लाउज दिख रहा था सामने से मटेरियल आपके पास वैसा ही मिलेगा आपको, आप चाहे तो वैसा ही स्टिच करवा सकते हैं। एंड ये है सेकेंड स्लीव्स के लिए मटेरियल। एंड यहाँ पर आपको बैक के लिए प्लेन मटेरियल मिल रहा है, तो मटेरियल इसका प्यारा है, आपको इसके साथ कोई लाइनिंग वगैरह तो नहीं मिल रही, आपको लाइनिंग खुद से लगवानी पड़ेगी, बट ब्लाउज का मटेरियल बहुत अच्छा है, मतलब क्वालिटी अच्छी है, आप इसे अपना ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं। तो यस, नेक्स्ट बात करते हैं साड़ी की, जो की बहुत ही प्यारी से हमारे पास रिसीव हुई, जैसे मतलब इमेज भी दिख रही थी सेम वैसे की वैसी है। एंड जिन्होंने भी इसकी रिक्वेस्ट भेजी थी वो आंख बंद करके जा सकते हो, बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। एंड आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हो, बहुत ही फाइन फिनिश के साथ है, मल्टी कलर का यूज है। इसका मटेरियल जो है वो है कुछ मिक्स मटेरियल है, थोड़ा सा इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, बट बहुत ही प्यारा है, मतलब लाइट वेट है, फुल डे आप इसको कैरी कर सकते हो, मतलब लाइट वेट है, लुक आपको ये हैवी वाला देगा बट मटेरियल जो है वो सॉफ्ट है लाइट वेट है, आपको इस तरह से टैसल मिलेगी पल्लू पे। एंड जो ये बॉर्डर की डिटेलिंग है ओवरऑल आपको चारों ही कॉर्नर पे मिलने वाली है। एंड बीच बीच में इस तरह से आपको पैचेस वाली डिटेलिंग मिल जाएगी कुछ इस तरीके से पूरे में, ये भी यहाँ पे मल्टी कलर डिटेलिंग है। इसकी जो डिटेलिंग मुझे की बेस्ट पार्ट ये लगी कि इसके थ्रेड वगैरह नए निकले हैं, बहुत ही फाइन फिनिश के साथ वर्क किया है, मतलब क्वालिटी इसकी अच्छी है, अच्छा वर्क इसमें किया हुआ है। एंड ओवरऑल आपको साड़ी आपको ना सेम मिलने वाली है, एंड ओवरऑल साड़ी में ना आपको ये छोटे छोटे पैचेस वाली डिटेलिंग मिलेगी एंड नीचे साइड आपको इस तरह से बॉर्डर मिलेगी। तो यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी जो कि कुछ इस तरीके से है मल्टी कलर में। एंड ये मुझे इमेज में ना बहुत ही ज्यादा प्यारी अच्छी सी लग रही थी तो मैंने इसको बाय किया था, जो कि कुछ इस तरीके से आई है। यस, एंड इसका प्राइस मैं साइड में मेंशन कर दूंगी, प्राइस इसका बहुत ज़्यादा नहीं था, मटेरियल जो है वो इसको जॉर्जेट का है। एंड कुछ इस तरह से 2-3 शेड भी आपको मिलेगी एंड इसमें कई सारे शेड अवेलेबल थे तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हो। पहले तो आपको चारों कॉर्नर पे इस तरह से लेस मिलेगी जो कि गोल्डन कलर की है एंड ये आपको मिलेगा 2-3 शेड में आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अच्छा, अगर फैब्रिक की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब फैब्रिक में हैवीनेस नहीं है, मतलब लाइट वेट है, क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी लाइट था तो इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा लाइट है। एंड इस तरह से आपको बीच बीच में गोल्डन की आपको ये लहरिया कुछ प्रिंट दिखेगा आपको इस तरह से, ओवरऑल साड़ी पे आपको ऐसे ही दिखने वाला है। यस, तो लाइट वेट है, डेली यूज के हिसाब से मुझे अच्छी लगी, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग तो ये मुझे नहीं लग रही है, बट आप डेली यूज में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए मस्ट हैव है, लाइट वेट है, फुल डे आप कैरी कर पाओगे। अगर मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल की क्वालिटी मुझे ओके टाइप लगी, बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं लगी, बट कहीं ना कहीं मैं इस हिसाब से जजमेंट कर रही हूँ कि इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये ओके लगी एंड ओके टाइप से है। मैं इसको 10 में 8 या 7 नंबर दे सकती हूँ, इतनी बर्थेड है ये, बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसका मुझे शेड स्पेशली काफी प्यारा लग रहा है, आप डेली यूज के हिसाब से इसको यूज कर पाओगे। इसकी लंबाई चौड़ाई परफेक्ट है, मतलब लेंथ वगैरह इसकी परफेक्ट है। एंड यहीं पर आपको मिल जाएगा ब्लाउज का मटेरियल जो कि इसी में स्टिच है एंड काफी डिफरेंट लगा मुझे इसका ब्लाउज का मटेरियल भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शेडेड है एंड इसका मटेरियल फुल आपको स्काई ब्लू में मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से है, मतलब मुझे ओवरऑल ओके टाइप लगा, मतलब ये मुझे बहुत ज्यादा
अच्छी तो नहीं लगी मुझे, इमेज में जितनी प्यारी लग रही थी सामने से मुझे उतना नहीं अच्छा लगा, उतनी ज़्यादा बर्थेड नहीं है। बट आप डेली यूज के हिसाब से अगर लेना चाहते हो तो उसके लिए फिर ये मस्ट हैव है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, मतलब जा सकते हो इसके साथ। आपको ब्लाउज पे भी ना इस तरह से थोड़ी सी लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी, मतलब जो आप स्लीव वगैरह में यूज कर सकते हो। तो ये मूवी कॉन्टर द नेक्स्ट कलेक्शन जिसमें मैंने मंगाया है राजस्थानी पोशाक, क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर मेरी जो है ना मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट कर रही कि प्लीज़ दे मुझे राजस्थानी पोशाक दिखाइए, राजस्थानी पोशाक दिखाइए। तो मैं काफ़ी टाइम से ना इंस्टॉल कर रही थी मीशो में, तो मुझे कई सारे दिखे थे बट मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, फाइनली मुझे एक पसंद आया जो कि मैंने मंगाया है एंड मैंने कभी पहना भी नहीं है, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी राजस्थानी पोशाक कैसे लगेगी मेरे ऊपर एंड क्योंकि मैंने अभी इसको बस खोल ही रही हूँ, मैंने अभी तक इसको देखा भी नहीं। तो फटाफट से आपको दिखाते हैं, हम भी देखते हैं कि कैसी आई है। तो ये सबसे पहले हम दिखाएंगे इसके जो घाघरा जिसको बोलते हैं, जो स्कर्ट होता है यानी कि लहंगा जो होता है, एंड ये अनस्टिच रिसीव हुआ है कुछ इस तरीके से, कली वाला फ्लेयर है। अच्छा, इसके साथ ना मुझे लाइनिंग वगैरह रिसीव नहीं हुई है तो मैं इसको पहनूंगी कैसे, फिर मैंने सोचा कि मैं इसको आपको कैंकर स्कर्ट के साथ पहन के दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें ना आपको लाइनिंग वगैरह नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा स्लिथू है। आपको जब ये कंप्लीट स्टिच करवाना पड़ेगा तो आपको इसके अंदर लाइनिंग लगवानी पड़ेगी, आप इसको ऐसे तो यूज नहीं कर पाओगे, तो आप इसको लाइनिंग लगवा के फिर यूज कर सकते हो। बट अगर इसके लहंगे की बात करूँ तो इसकी ना मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी एंड आप सामने से इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है, सॉफ्ट मटेरियल है इसका, जो मटेरियल जो है ना वो जॉर्जेट का है एंड इसकी डिटेलिंग भी बहुत ही फाइन फिनिश के साथ है। मतलब जिस तरह से ना मुझे ये इमेज में दिख रहा था ये सेम वैसा रिसीव हुआ है, बस इसमें लाइनिंग बस नहीं है, बाकी ओवरऑल ना इसका कलर प्रिंट वगैरह सब बहुत प्यारा है, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो बहुत ही शेडेड है, मतलब अच्छा लग रहा है, कई सारे कलर इसमें यूज किए हैं एंड ऊपर से आपको ना कली वाला फ्लेयर मिलेगा, नीचे आपको फिर ओवरऑल फिर आपको सेम ही मिलेगा एंड इस तरह से कुछ ये है बॉर्डर मिल जाएगी आपको। तो ये है इसके लहंगे का पार्ट एंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्लाउज के मटेरियल, जो ऊपर की इसकी चोली बनती है कुछ लॉन्ग से बनती है ऐसी, क्योंकि हमारे साइड तो पहनते नहीं है बट हाँ जो लोग पहनते हैं उनको अच्छे से पता है कुछ ऐसे ही आती है। एंड ये है वो मटेरियल ऊपर के लिए, आपको ऊपर के लिए कुछ इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आराम से एक्सल डबल एक्सल के साइज के लोग जा सकते हैं एंड मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर जिसको भी चाहिए कम प्राइस के साथ मीशो के साथ आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको लहंगे में लाइनिंग लगवाने की ज़रूरत है, बाकी ओवरऑल ब्लाउज वगैरह का मटेरियल बहुत अच्छा है, मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा एंड इसका वर्क भी बहुत प्यारा लगा, लाइट वेट भी है तो आप फुल डे इसको कैरी कर पाओगे। साइड में आपको थोड़ा सा बॉर्डर बनवाने के लिए इस तरह से ना ये फैब्रिक भी दिया गया है, जिस तरह पे लहंगे पे इसकी बॉर्डर आपको नीचे दी गई है आप इसको ब्लाउज के स्लीव्स में एंडिंग में एंड कुर्ते के एंडिंग में आप इसको बनवा सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से आपको इमेज में दिया था तो आप इमेज के अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हैं, मतलब मटेरियल वगैरह सब इसका ओवरऑल बहुत अच्छा है। तेज लास्ट बात करते हैं इसकी चुन्नी की, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप देख सकते हो इसका जो ये सीक्वेंस की जो डिटेलिंग इस तरह से दी गई है बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, छोटे छोटे सीक्वेंस है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ उसको पहनने के लिए, मतलब मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे पास तो ना इसके अकॉर्डिंग कोई ज्वेलरी भी नहीं है बट मैं ट्राई करूँगी कि इससे एक अच्छा लुक में निकाल पाऊँ, मतलब अच्छा लग रहा है ओवरऑल। एंड ये स्पेशल जो राजस्थानी पोशाक में ये इसके बोलते हैं इसका बेस्ट पार्ट होता है, ये जो किरण वाली लेस होती है जो कि इसमें लगाई हुई है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, एब्सोल्युटली लव इट। अगर कोई जाना चाहता है एंड कोई तीज वगैरह में कुछ यूज करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हो, स्टिच करवा सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, बहुत प्यारा लगेगा, लेंथ वाइज परफेक्ट है, कलर कॉम्बिनेशन एंड डिजाइन सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मटेरियल सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड आपको सेकेंड साइड भी इस तरह से पूरा ये मिल जाएगा। ओवरऑल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, जैसा मुझे इमेज में दिख रहा था सामने से वैसा का वैसा मेरे पास रिसीव हुआ है। तो इस मूवी कौन टू द नेक्स्ट लहंगा जिसकी आई थी हमें रिक्वेस्ट, देखते हैं ये कैसा आया है। तो ये सबसे पहले बात करेंगे इसके लहंगे की, जो कि अगर ओवरऑल लहंगे की बात करूँ तो ये प्लेन है एंड इसका हाईलाइट पॉइंट था इसमें जो ये बना हुआ फ्लावर, एक साइड आपको ये बड़े से एक फ्लावर की डिटेलिंग मिल रही है पूरे लहंगे पे जो कि इसका हाईलाइट पॉइंट था एंड क्योंकि ओवरऑल बाकी प्लेन है, मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब अच्छा मटेरियल है, फ्लावर की डिटेलिंग भी बहुत अच्छी है, फुल इमेज में देखोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर कर पाओगे, मतलब अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, मस्टर्ड येलो जैसा इसका कलर है एंड जो फ्लावर की डिटेलिंग है वहाँ पे भी आप थोड़ा सा लाइट ग्रीन एंड मस्टर्ड येलो का कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। बाकी फिर ओवरऑल लहंगा आपको प्लेन मिलेगा,
फुल स्टिच आपको लहंगा मिल रहा है। फ्लेयर की बात करूँ तो आराम से इसमें 2.5 से 3 मीटर के अराउंड फ्लेयर है। फ्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत प्यारा है। एंड लास्ट में इस तरह से थोड़ा सा पतली वाली जो तार पड़ी होती है ना, वो पड़ी, जिससे की वजह से इसका फ्लेयर बहुत अच्छा आएगा। बैग में आपको लाइनिंग मिल रही है, कैंगन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो कैंगन की नीड भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक बहुत ज्यादा स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप जैसा आपको लुक मिलेगा, मतलब अच्छा लग रहा है। तो ये था इसका लहंगा। तो यस, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके चुनने की, जो कुछ इस तरीके से है। प्लेन है, सेम मटेरियल फैब्रिक का है, जो लहंगे का था फैब्रिक था वही आपको चुनने का मिलेगा। ओवरऑल सेम ही है, लेंथ वाइज परफेक्ट है। एंड सेम कलर का आपको ब्लाउज का मटेरियल मिल जाएगा, जैसा आपको ब्लाउज एंड लहंगे के लिए मिल रहा है सेम आपको वही ब्लाउज मटेरियल मिल जाएगा। एक्सएल डबल एक्सएल के साइज के लोग इसके साथ जा सकते हैं, इसमें इतना मटेरियल अवेलेबल है। तो यस मूविंग ऑन टू द लास्ट लहंगा, जो कि इस तरह से है, कुछ डार्क ग्रीन कलर का। एंड देखते हैं ये वाला कैसा आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लहंगे की, जो कि एक स्कर्ट की जैसे भी लुक दे रहा है, लहंगा भी है एंड डार्क ग्रीन कलर का है। एंड ये टीज स्पेशल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने एक ग्रीन कलर का भी लहंगा इसमें कलेक्शन में कलेक्ट किया है, कि ताकि आप टीज वगैरह में अगर डालना चाहो कुछ ग्रीन कलर का तो आप डाल सकते हो। इस तरह से गोल्डन कलर का प्रिंट मिलेगा आपको कमर पे, फुल स्टिच आपको लहंगा मिल रहा है। यहाँ पर आपको मिल रही है जिप एंड साथ में आपको डोरी भी मिल रही है, मुझे जो कि अभी दिखी थी मुझे डोरी भी आपको मिल रही है। एंड यहाँ से फिर आपको ना प्लेटिंग वाला फ्लेयर मिलेगा, तो भी काफी चौड़ी चौड़ी प्लेटिंग का वर्क है। फ्लेयर की बात करूँ तो आराम से इसमें 3 मीटर के अराउंड आपको फ्लेयर मिल जाएगा। एंड ऊपर साइड तो आपको प्लेन मिलेगा, सिल्क का मटेरियल है। एंड जैसे आप नीचे आओगे तो कुछ इस तरीके से इसमें वर्क आपको मिल जाएगा। नीचे साइड ना आपको जो है गोल्डन कलर की लेस के साथ इसकी एंड फिनिशिंग की गई है। अगर बैग की बात करूँ तो आपको कैंकन वगैरह इसमें नहीं है, एंड लाइनिंग है भी, लाइनिंग है। एंड इसमें आपको बकरन मिल जाएगा, जिसकी वजह से फ्लेयर इसका थोड़ा सा हैवीनेस नीचे रहेगी, तो ये काफ़ी अच्छा फ्लेयर इसका दिख जाएगा। यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी चुन्नी की, जो कि ये भी अगेन ग्रीन कलर की है एंड नेट की मटेरियल की है कुछ इस तरीके से। साइड में गोल्डन कलर की लेस की डिटेलिंग मिलेगी एंड यहाँ पे पूरा ना इस तरह से गोल्डन कलर की लेस की डिटेलिंग है, जो कि इस तरह से गोटा पत्ती डिटेलिंग है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, नेट का मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, आप इसको फुल डे कैरी कर पाओगे। तीज वगैरह के लिए आप अगर ले रहे हो तो बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये लास्ट बात करते हैं इसके ब्लाउज की मटेरियल की, जो कि कुछ इस तरीके से है। पूरे पे आपको ने गोल्डन वाली डिटेलिंग मिल जाएगी, गोल्डन प्रिंट है पूरे ब्लाउज में, फ्रंट एंड बैक में। आप जैसे चाहे इसको वैसे स्टाइल करवा सकते हैं। लेंथ वाइज परफेक्ट है, एक्सएल डबल एक्सएल के साइज के लोग इसके साथ जा सकते हैं। लाइनिंग वगैरह इसके साथ मुझे रिसीव नहीं हुई है, सिर्फ आपको लहंगा चुन्नी एंड ब्लाउज का मटेरियल मिल जाएगा। अगेन इसका मटेरियल जो है वो है सिल्क, जैसे सामने से आपको कैमरे पे दिख रहा है ना, सामने से बिल्कुल वैसा वाला ग्रीन है। क्वालिटी वगैरह अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़ते रहे। फुल कम्प्लीट लहंगा हमारे पास रिसीव हुआ है। तो यस, अगर आपको चाहिए तो आप जाके बाय कर सकते हो। सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अगर हमारे जरिए बाय करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यस, ये था आज का हमारा कंप्लीट मीशो हॉल वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।